जय भीम साथियों, साथियों आपने हरियाणा का पूरा चुनाव देखा। हरियाणा के चुनाव में हम लोगों ने भी पूरे हरियाणा में जा जा करके बहुजन समाज को समझाने का काम किया। बेसिकली जो एट्रोसिटीज हरियाणा में हुई भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में गोहाना कांड हुआ, उसमें वाल्मीकि समाज के लोगों के घरों में आग लगाई गई। भाई शहीद राकेश लारा को, जो गौरव था वाल्मीकि समाज का, उसकी हत्या की गई। दूसरा साथियों, मिर्चपुर कांड हुआ, भगाड़ा कांड हुआ, कितनी सारी एट्रोसिटीज हरियाणा में वाल्मीकि समुदाय पे, वाल्मीकि जाति पे। और दूसरा, सभी बहुजन समाज के लोग उस सरकार में एट्रोसिटी से परेशान थे। चुनाव के दौरान आपने देखा भाजपा की सरकार में असंध में हमारे एक परिवार के लड़के को मंदिर में घुस के गोली मार दी गई। वाल्मीकि समाज के दो तीन बच्चों को घायल कर दिया गया। उसके पहले आप जाएंगे भाजपा की सरकार में, विशेषकर मैं जो मेरे जाट बिरादरी के लोग हैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि हरियाणा में कितने बड़े पैमाने पर जब अपने हक और अधिकारों के लिए जाट बिरादरी के लोग संघर्ष कर रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर ने, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने और चौधरी देवीलाल ने एक संघर्ष करके ओबीसी के लोगों को 27.5% आरक्षण दिलवाने का काम किया था। आज जाट बिरादरी के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को ये पता लगता जा रहा कि संविधान में क्या शक्ति है और उन्होंने आरक्षण की लड़ाई हरियाणा में लड़ी। और उसी हरियाणा की सरकार ने, खट्टर की सरकार ने हमारे नौजवानों को गोलियां मारने का काम तक किया। ये जाटों के साथ हुआ हरियाणा में। 2 अप्रैल में जब लोग SC ST एट्रोसिटी एक्ट के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय भी हमारे लोगों पर गोलियां चलवाने का काम खट्टर सरकार ने और मोदी सरकार ने किया। अभी आपने राजनीति में कुछ नए नए लोगों को देखा, उसमें से एक हमारा छोटा भाई दुष्यंत चौटाला, जो पूरे चुनाव में कह रहा मोदी न्यू मोदी न्यू मोदी न्यू, खूब बुराइयां कर करके बीजेपी की, खूब बीजेपी की गलतियां गिनवा गिनवा करके, और एक नई पार्टी का जन्म हुआ, जननायक जनता पार्टी JJP, जबकि उससे पहले उसी पार्टी के लोग इनेलो पार्टी में थे, जो जननायक चौधरी देवीलाल ने पार्टी बनाई थी, इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल, जिसमें सरकारें भी रही हरियाणा में। और अगर दुष्यंत चौटाला बीजेपी के चक्कर में अपने घर में फूट नहीं डालते ये लोग, तो आज शायद हरियाणा में जाटों की, बहुजनों की, कमजोर दबे कुचले समाज की इनेलो और BSP की सरकार होती। और देखिए कितना उलट हुआ, खूब गालियां दे दे करके बीजेपी को सरकार में हरियाणा के चुनाव में चंद सीटें जीत के दुष्यंत चौटाला जी आए। और कितना लालच देखिए आप, एक छोटी सी जो कुर्सी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जैसे हम लोग साइकिल का जो आगे डंडा होता है और उस पर एक छोटी सी गद्दी लगा लेते हैं बच्चा ताकि रोए ना, और उसको उस गद्दी में बिठा लें, तो ऐसे ही ये डिप्टी CM की कुर्सी दुष्यंत चौटाला जी को दी गई है। और मैं गारंटी देता हूं कि दुष्यंत चौटाला की कोई औकात नहीं है इस भाजपा की सरकार में किसान और मजदूर दबे कुचले वर्ग की आवाज को उठा सके, उनके हक और अधिकार की बात कर सके। और जब दुष्यंत चौटाला जी को इसी कुर्सी में संतोष करना था, तो ये कुर्सी तो अभय चौटाला जी उसको वैसे भी दे देते भाई।
इसमें पार्टी तोड़ने की क्या जरूरत थी, घर खराब करने की क्या जरूरत थी, एक जो समाज में नेगेटिविटी फैलाई उसकी क्या जरूरत थी। तो ये आप लोगों के सामने है, ये कैसी सरकार है, खट्टर निष्क्रिय मुख्यमंत्री है। पहले भी उसने कुछ नहीं किया और गारंटी देता हूं इन 5 सालों में भी हरियाणा की जनता देख लेगी कि ये कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने हरियाणा में हरियाणा को खुशहाल करना है तो इस प्रदेश को सुधारने की जिम्मेदारी हरियाणा के जो एक मजबूत समाज है जाट बिरादरी, उसके युवाओं को अपने कंधों पर लेनी पड़ेगी। और समय समय पर इन सरकारों के खिलाफ हरियाणा में विपक्ष बन के मजबूती से खड़ा रहना पड़ेगा। आप लोग जो युवा साथी हैं, ना तो हुड्डा पे भरोसा कर सकते, ना दुष्यंत चौटाला पे भरोसा कर सकते और ना किसी व्यवस्था पे भरोसा कर सकते। अगर सर छोटू राम नहीं होते तो आज जाटों की जो हालत होती वो समय होता तो समझ में आती। सर छोटू राम ने बाबा साहब अंबेडकर का बराबर साथ दिया और इस देश में गरीब मजदूरों की आवाज बनने का काम किया। तो अगर सर छोटू राम के सपनों का हरियाणा बनाना है, चौधरी जननायक देवीलाल के सपनों का हरियाणा बनाना है और बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत अगर हमने बनाना है, तो हमें संविधान को हर हालत में इंप्लीमेंट करवाना होगा। और हरियाणा का जो जाट बिरादरी है और जो बाहुबली बिरादरियां हैं, उनको संविधान की शक्ति को समझना होगा और बाबा साहब अंबेडकर के मूवमेंट में, मिशन में काम करना होगा। तब हरियाणा का बेरोजगार युवा सशक्त और समर्थ होगा, तब जाकर के हरियाणा दूध दही का खाना और हमारा हरियाणा जब जाके मजबूत होगा। तो इन जो राजनीतिक लुटेरों ने जो लूट मचाई है, जो लोकतंत्र की हत्या की है, अगर दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी सीएम की कुर्सी चाहिए थी तो लोगों कहता ना कि मुझे डिप्टी सीएम बना दो, मैं उसके लिए लड़ रहा हूं। जब तो कहता था मैं दबे कुचले गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा हूं। और जिस सरकार ने पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार ने युवाओं को बेरोजगार किया, पिछले 5 सालों में खट्टर सरकार ने युवाओं को बेरोजगार किया और अब आने वाले 5 सालों में पता नहीं हरियाणा को कहां ले जाएंगे। हरियाणा में 600 कुछ सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, एजुकेशन व्यवस्था का बुरा हाल है, बहन बेटियों की आबरू सरेआम लूटी जाती है, गरीबों को दलितों को पिछड़ों को सरेआम मारा जाता है। तो ये समय है परिवर्तन का, घबराए ना, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बने ना बने कोई बात नहीं। लेकिन माननीय साहब श्री काशीराम कहते थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़े मजबूत नहीं होती, सामाजिक जड़े मजबूत नहीं होती, वो समाज कभी राजनीति नहीं कर पाता। तो आज चाहे जाट बिरादरी हो, चाहे गुज्जर बिरादरी हो, चाहे यादव बिरादरी हो, चाहे बहुजन समाज के सारे ही लोगों की बिरादरी हो, आज किसी की भी सामाजिक मजबूत जड़े नहीं है। और वो जड़े खोखली करने का काम किसी ने किया है तो मनुवाद और इस ब्राह्मणिकल सिस्टम ने किया है। अगर इससे लड़ना है तो इस दुनिया में जो ये पाखंडवाद है, इससे लड़ना है तो अंबेडकरवाद को आगे बढ़ाना होगा और बाबा साहब के मूवमेंट को, माननीय साहब श्री काशीराम जी के मूवमेंट को आगे बढ़ाना होगा साथियों। और युवाओं से मेरी पुरजोर अपील है कि आप लोग भगत सिंह के वंशज हो, सम्राट अशोक के वंशज हो, हरि सिंह नंदवा के वंशज हो, आप माननीय साहब श्री काशीराम के वंशज हो, आप सर छोटू राम के वंशज हो, आप बाबा साहब अंबेडकर के वंशज हो, तो हिम्मत नहीं हारनी, लड़ाई लड़नी है। जब आपने अंग्रेजों को नहीं छोड़ा तो इन काले अंग्रेजों को भी नहीं छोड़ेंगे, ये चेतावनी उनके लिए। जय भीम, जय छोटू राम, जय माननीय साहब श्री काशीराम।